हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन है आज बुधवार और सुबह के बज रहे हैं ठीक 7 एंड मैं किचन में आ गई हूँ जल्दी से, क्योंकि आज जो है इनको जाना है ऑफ़िस। तो जिस दिन ऑफ़िस जाना होता है उस दिन जल्दी से जो है मुझे इनके लिए टिफ़िन की प्रिपरेशन करनी होती है। लेकिन किचन में आई एंड मैंने देखा कि थोड़ा सा काउंटर टॉप पर ना दाग धब्बे लगे हुए हैं। तो हुआ ये कि नाइट में मैं सो गई एंड वेदांश ने शायद च्यवनप्राश खाया होगा और उसी के जो है ना दाग लगे हुए थे, तो फिर वो देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे। तो सबसे पहले जो है मैंने उन्हें क्लीन किया और अब जो है ये सोयाबीन की बड़ी है इसको मैं भिगा, आज जो है मैं नाश्ते में सोयाबीन की बड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और यही जो है मैं इनके लिए टिफ़िन में पैक करूँगी। जब तक बढ़िया भीग रही है तब तक उसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू निकाल लिए हैं और साथ ही साथ लहसुन भी निकाल लिया है। और पहले ये वाला सारा सामान मेरा ना फ्रिज के पास मैं रखती थी, लेकिन जब आप लोगों ने टोका तो इसको फिर मैंने मंदिर वाले रूम में कर दिया है। तो अब मुझे सारा सामान वहाँ लेकर जाना पड़ता है। और साथ ही साथ अभी जो है बच्चे भी उठने वाले हैं तो उनके लिए भी मैं मिल्क गर्म करूँगी। तो फ्रिज से ना 5 से 10 मिनट पहले ही मैं मिल्क बाहर निकाल के रख देती हूँ और सबसे पहले जो है इसमें से जो मलाई होती है वो मैं अलग निकाल लेती हूँ। तो ऐसा होता है कि जैसे मैंने सुबह मिल्क लिया तो वो मिल्क मैं अगले दिन सुबह तक नहीं छेड़ूंगी, बिल्कुल उसको एज़ इट इज़ जो है फ्रिज में रख देती हूँ बॉईल करके। और पहले वाला मिल्क जो है एक दिन पहले वाला वो चलता रहता है, तो ऐसे छेड़ो नहीं ना मिल्क को बीच में, तो उसमें जो मलाई लगती है ना वो बहुत मोटी लगती है। तो बस मलाई जो है मैंने अलग कर ली है और दूध को भी बाहर निकाल के रख लिया है ताकि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में वो आ जाए। बच्चों की भी क्लास का टाइम होने वाला था तो एक एक करके जो है ना इनको उठा के लेकर आ गई हूँ बाहर सोफे पे। तो क्लास शुरू होने से 15-20 मिनट पहले इस तरीके से इनको लाकर बाहर बिठा देती हूँ ताकि इनकी नींद जो है ना वो खुल जाए। तो वंशी का तो उठ ही जाती है, लेकिन ये देखिए वेदांश ना अगेन उसकी गोद में सो जाएगा। वेदांश की नींद बिल्कुल नहीं खुलती है, उसे उठाते रहो वो आधा घंटा लगा देता है उठाने में। तो बस यहाँ पर बिठा दिया है बच्चों को, थोड़ी देर बैठेंगे तो नींद खुल जाएगी। और अब जल्दी से जो है ना सब्ज़ी बना लेते हैं। पहले तो मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है कुकर में और अब जो है मैं इसमें डालूँगी राई, तो थोड़ी सी राई भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब जो है इसमें हींग ऐड करूँगी मैं एंड ये जो आलू और बड़ी है ना ये दोनों को मैं एक साथ इसमें डाल दूँगी। अब क्या होगा कि इस तरीके से इसको कम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे तो बड़ियाँ भी भून जाएगी और ये जो आलू है ना ये भी बहुत अच्छे से भून जाएंगे। बहुत ही शॉर्टकट तरीका है आलू बड़ी बनाने का, लेकिन यकीन मानिए सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है इस तरीके से बनाएंगे तो। और जब तक आलू और बड़ी भून रहे हैं तब तक एक टमाटर और साथ ही साथ 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च को चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्हें मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी बहुत अच्छे से और उसके बाद ना इसको हम बाद में ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आप सब्ज़ी बना के ज़रूर देखना तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी जल्दी जो है सब्ज़ी बन जाती है। तो यहाँ पर वो जो चॉप किए हुए टमाटर थे वो भी हमने ऐड कर दिए हैं। अब इस मसाले के साथ भी आलू बड़ी को बहुत अच्छे से भुनेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। तो अभी यहीं पर हम इसमें जो है अपना बेसिक मसाला भी ऐड कर लेंगे। तो कोई मुझसे बोल रहा था कि दी आप अपनी मसालेदानी दिखाना, आपके मसालेदानी में कौन कौन से मसाले होते हैं। तो बस उसमें होता है नमक, मिर्च, हल्दी और जो मैं घर में गर्म मसाला पीसती हूँ वो। अच्छा, यहाँ पर मैंने हल्की सी कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है और इसको ना हमें ढक ढक के 2 से 3 मिनट तक भूनना है और उसके बाद हम इसमें जो है पानी ऐड कर देंगे। तो पानी आपके अकॉर्डिंग ऐड होगा जितना भी आप चाहते हैं और आप कम से कम 3 से 4 सीटी आने तक इसको पकाएंगे और हमारी आलू बड़ी की सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और साथ ही साथ मैंने एक तरफ बच्चों का मिल्क भी गर्म कर लिया है।
तो अब उन्हें मिल्क दे दूंगी। अच्छा, एक कमेंट आया था मेरे पास, पता नहीं किसने किया था, कोई थी लड़के की आईडी जो बोलता था कि आप ना अपने बच्चों को बहुत डराती हैं, तो क्या मेरे वीडियोस देख के आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों को डरा के रखती हूँ? हाँ, बच्चों को कभी कभी डांटना बहुत ज़रूरी होता है जब वो ज़्यादा शैतानी करते हैं, तो मम्मी जो होती हैं वो अपने बच्चों को डांटती भी हैं, कभी कभी उनकी थोड़ी बहुत पिटाई भी कर देती हैं। तो ना जाने उनको ऐसा क्यों लगा कि मैं बच्चों को डरा के रखती हूँ। तो आपको भी लगता है क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि पेरेंट्स क्या अपने बच्चों को डरा धमका के रखते हैं 24 घंटे? तो जो पेरेंट्स हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे, और स्पेशली मम्मियाँ तो समझ ही रही होंगी। तो चलिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया है और इतनी देर में ना जो है दूध भी आ चुका है, तो अब दूध ले लेंगे और इसको जो है बॉईल करने के लिए रख देंगे। टाइम है ना वो हो चुका है, तो यहाँ पर मैं जल्दी से इनके लिए रोटियाँ भी बना देती हूँ। अच्छा, कोई मुझसे ये भी पूछ रहा था कि आपके हस्बैंड की टाइमिंग क्या है ऑफिस जाने की, तो देखिए ऐसी कोई टाइमिंग नहीं है, कभी 8:30 भी चले जाते हैं, कभी 9, कभी 9:30, और कभी मन किया तो 10 बजे भी चले जाते हैं। तो ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है कि किस टाइम पर जाना होता है, क्योंकि ये कोरोना टाइम है और इस टाइम पर किसी का भी कुछ भी फिक्स नहीं होता है। तो ऑफिस जाना एक फॉर्मेलिटी होती है कि वीक में एक दिन जाना ही है, तो उसके लिए कोई टाइम ऐसा फिक्स है नहीं। तो ना आने का टाइम फिक्स है, ना ही जाने का टाइम फिक्स है। तो आज मैं इनके टिफ़िन के लिए भी रोटी बनाऊंगी और सुबह नाश्ते के लिए भी रोटी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन से पराठे खा खा के बहुत ज़्यादा सब परेशान हो गए हैं। तो फिर आज मुझे लगा कि नहीं, पराठे जो है ना आज स्किप कर देने चाहिए। देखिए, आलू बड़ी की सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी है। तो आलू भी बहुत अच्छे से गल गए हैं, बड़ियाँ भी पक गई हैं। तो ये फ़ायदा होता है प्रेशर कुकर में सब्ज़ी बनाने का, एक तो जल्दी बन जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और टेस्टी की टेस्टी बनती है। तो जल्दी से इनका टिफ़िन लगा देती हूँ। तो मैंने खीरे का रायता बना दिया है, उसको भी मैंने पैक कर दिया है, और साथ ही साथ आलू बड़ी की सब्ज़ी भी पैक कर दी है। साथ में मैं रोटियाँ पैक कर दूँगी और बस टिफ़िन जो है बन के तैयार है। जब मैं इनका टिफ़िन पैक करके टेबल पे रख देती हूँ तो मुझे थोड़ी सी शांति मिल जाती है कि चलो फाइनली जो है टिफ़िन बन चुका है, मेरा आधा काम निपट गया है। और उसी टाइम पे जो है ना मैं बच्चों को भी नाश्ता करा देती हूँ, और अगर उन्हें नहीं करना होता तो मैं बना के रख देती हूँ कि फिर उन्हें जब भी भूख लगे तो वो नाश्ता कर लें। तो जिस दिन ऑफ़िस जाना होता है ना, उस दिन किचन का काम जो है मेरा जल्दी से निपट जाता है। तो ये जा चुके हैं ऑफ़िस, अब थोड़े से नाश्ते के बर्तन हैं जिनको मैं जल्दी से वॉश कर दूँगी। बर्तन धोने के बाद जल्दी से हॉब क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद मुझे बनानी है अपने लिए चाय, क्योंकि सुबह की चाय तो मैंने पी नहीं थी, स्किप कर दी थी। और जब इनको ऑफिस जाना होता है तो मैं वेट करती हूँ कि पहले ये ऑफिस चले जाएं, उसके बाद तसल्ली से बैठ के चाय बनाऊँगी और आराम से आधा घंटा TV देखते हुए अपनी चाय को इंजॉय करूँगी। तो घर का सबसे मेन पार्ट होता है किचन, जो कि मैंने क्लीन कर लिया है, सारे बर्तन भी वॉश हो चुके हैं। तो किचन के काम से फ्री, मतलब कि घर के आधे काम से फ्री होना होता है मेरे लिए। तो सब कुछ करने के बाद मैं अपने लिए चाय चढ़ा दूंगी, और अब चाय चढ़ाने के बाद जो मेरे घर के छोटे मोटे काम है ना वो मैं करती रहूँगी, क्योंकि चाय पकने में अभी टाइम लगेगा। तो बस चाय अपना बनती रहेगी और मैं अपने काम जो है वो निपटाती रहूँगी। गैस पे चाय रखकर मैं आ गई हूँ, एंड जल्दी जल्दी से अभी ये बेड जो है ना इसको क्लीन कर लेते हैं। तो अभी ये वाला बेड मैंने क्लीन नहीं किया था, वंशिका के रूम वाला बेड मैं रात को ही क्लीन कर देती हूँ, ताकि सुबह मेरे को ज़्यादा आफत ना आए काम करने के लिए। तो थोड़ा बहुत भी क्लीनिंग दिखती रहती है ना, तो थोड़ी तसल्ली रहती है दिल को।
कितनी तसल्ली, कितनी शांति मिल जाती है ना जब हस्बैंड लोगों को ऑफिस भेजना होता है और वो टाइम पे जो है ऑफिस निकल जाते हैं। तो किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अपने हर वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ लेकिन आप लोग रिप्लाई बहुत कम करते हैं, मतलब कम लोग करते हैं, इसका मतलब कि आप मेरा वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, तो इससे मुझे पता चल जाता है। एक दिन मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी कि मैं अपने हर वीडियो में ना बीच में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछती हूँ एंड इससे मुझे पता चलता रहता है कि कौन मेरा वीडियो कब तक वॉच कर रहा है। तो आज भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि किस को ज़्यादा तसल्ली मिलती है जब उनके हस्बैंड जो है ऑफिस चले जाते हैं, तो कितनी शांति हो जाती है घर में, किस किस को ऐसा लगता है, तो वो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अभी आपसे बात करते करते चाय भी बन गई थी तो यहाँ पर चाय पीऊँगी कम से कम आधा घंटा बैठ के, और आधा घंटे बाद फिर जो है मेरे घर के काम शुरू होंगे। के बाद अब बारी आती है पूरे घर की क्लीनिंग करने की। तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि दी प्लीज़ क्लीनिंग वीडियोस दो, हाउस क्लीनिंग वीडियो दो। तो यार मेरे चैनल पे इतने सारे क्लीनिंग वीडियोस है ना, तो आप देख लिया करो क्योंकि क्लीनिंग वीडियो मैं देती ही रहती हूँ। तो मैंने जो डीप क्लीनिंग भी कभी घर की है ना, तो उसके वीडियोज़ भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, तो आप ना पहले के वीडियोज़ जाके चेक किया कीजिए, तो वहाँ पर आपको सारे जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जल्दी से सारे घर में जो है झाड़ू मैंने लगा ली है। पेड़ पौधों में पानी भी डालना था, तो बारिश का इंतज़ार करते करते ये भी बेचारे थोड़े थोड़े से सूखने लगे हैं। तो बारिश वही होता है, एक दिन बहुत अच्छे से हो जाती है फिर तीन चार दिन के लिए गायब हो जाती है। तो धूप इतनी तेज़ पड़ती है ना कि पेड़ पौधे बेचारे सूख रहे हैं, ये देखिए। अच्छा आप लोग पूछते हैं कि दी आप अपने प्लांट्स की टेक केयर कैसे करते हैं, तो यार इसका सारा श्रेय मेरे पति देव को जाता है क्योंकि ये प्लांट्स वगैरह सब उन्होंने ही लगाए हुए हैं, सारी टेक केयर वही करते हैं। मैं तो बस कभी कभी इनमें थोड़ा बहुत पानी वानी डालने का काम करती हूँ बस, उससे ज़्यादा मैं कुछ काम नहीं करती हूँ। तो कभी वो प्लांट्स की टेक केयर करेंगे किस तरीके से प्लांट्स लगाते हैं ना, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सारे पेड़ पौधों में पानी डालने के बाद मैंने सारी बैल्कनीज क्लीन करी हैं, और बैल्कनी क्लीन करने के बाद अब पूरे घर में बहुत अच्छे से जो है पोछा लगा दूंगी। तो आजकल बैक में मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं वाइपर से ही पोछा लगा रही हूँ। तो ऐसा होता है जब मैं बैठ के पोछा लगाना शुरू करती हूँ ना तो मेरे बैक में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो फिर बीच में मैं छोड़ देती हूँ। तो चलिए अभी यहाँ पर मैं अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी और आपसे जल्दी ही मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलना।